तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में डिफरेंस को ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट इन प्लांट टिश्यूज इन प्लांट्स डेड टिश्यू इज मोर अबंडेंट देन एनिमल टिश्यूज़ प्लांट्स में डेड टिशूज ज़्यादा अबंडेंट होते हैं देन लिविंग टिश्यूज ठीक है सो इन प्लांट्स डेड टिश्यू इज मोर अबंडेंट देन एनिमल टिश्यूज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट इन केस ऑफ एनिमल्स इन एनिमल्स लिविंग टिश्यू इज मोर अबंडेंट देन डेड टिश्यूज एनिमल्स में लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा अबनडेंट होते हैं देन डेड टिश्यूज़ नास्थ सेकेंड पॉइंट रिकॉआर लेस एनर्जी प्लान टिश्यूज़ हैं छोटे होते हैं इनमें बहुत से टिश्यूज़ प्लेंट नहीं होते हैं जबकि टिश्यू डेड हैं तो डेड टिशूज़ को एनर्जी नहीं चाहिए होती है तो इसलिए इनमें इनको एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है तो इधर रिकोर लेस एनर्जी बट इन केस ऑफ एनिमल्स दे रिक्वायर मोर एनर्जी बिकॉज इनमें लिविंग टिश्यू प्रेजेंट है अब जब कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है डेट्स वैद रिक्वायर मोर एनर्जी नॉ थर्ड पॉइंट डिफरेंसीशन इज प्रेजेंट प्लांट में डिफरेंसीशन प्रेजेंट होता है लाइक like, टिश्यूज़ जो होते हैं इनमें वो दो टाइप के होते हैं मैरिज टाइम एंड परमानेंट बट इन केस ऑफ एनिमल्स डिफ्रेंसीेशन इनमें टिश्यूज़ जो होते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं लास्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो स्ट्रक्चर है टिश्यूज का वो सिंपल होता है बट इन केस ऑफ एनिमल इट इज कॉम्प्लेक्स हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के डिफ्रेंशिएशन के तो प्लांट टिश्यू को हमने डिफ्रेंशिएट किया है मेरिस्मे टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में मतलब प्लांट टिश्यू को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दो टिश्यूज में फर्स्ट इज मैरिज स्टेम एंड सेकेंड वन इज परमानेंट तो अब मैरिज टिश्यू जो होता है उसके अंदर भी हमने डिफ्रेंशिएशन किया है जो कि तीन टाइप में होता है तो मैरिस्टमेटिक टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप इट इज एपिकल लेटरल एंड इंटर कैलरी ठीक है और फिर दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू तो परमानेंट टिश्यू को भी हमने डिफ्रेंशियट किया है सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको लर्न करना है और फिर सिंपल टिश्यू के अंदर हमारा आता है पेनकैमा कोलिन कैमा एंड स्लिन कैमा इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट किया है थ्री टाइप्स में ठीक है और लाइक मेरिसमेटिक एंड देन फिर इसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी आता है परमानेंट टिश्यू को हमने कॉम्प्लेक्स में जॉइन किया है ठीक है कॉम्प्लेक्स में हमारा आता है जाइलम और एंड फ्लोयम इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में तो सबसे पहले हमको याद याद रखना है कि मेरी स्टेमेटिक को हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है तीन टाइप्स में जबकि परमानेंट को हमने दो बार डिफ्रेंशिएट किया है फर्स्ट पहले उन्होंने तो डिफ्रेंशिएट किया है तीन पार्ट में और फिर दूसरे किया है दो पार्ट में तो मैरिस्टमेट टिश्यू इज डिफरेंशियड इन टू एपिकल लिटल एंड एंटर कैलरी एंड दैन परमानेंट तो परमानेंट टिश्यूज इज डिफरेंशियट इन टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल इज डिफरेंशिएट इन टू पैनगामा कोम्पलेक्स इज डिफरेंशिएट इन टू जैलम एंड द फ्लोम हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान टिश्यूज की ठीक है जो कि होते हैं दो ऐप की लाइक मेरी स्टेम एंड द परमानेंट तो फर्स्ट हमारा है मेरी स्टमेटिक टिशू अब इसकी देखेंगे कि इसमें कौन से पॉइंट्स हैं तो दी सेल्स ऑफ मेरी स्टेम डिवाइड कॉन्टीन्यूसली जिस जिससे जो जिस जिस टिश्यू होता है वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होता है एंड हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग दी लेंथ ऑफ दी ग्रेथ अब मेरी स्टमेटिक टिशू का जो मेन फंक्शन है वो यही है डिवाइड होना ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है लाइक like, वो हेल्प करता है इन प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स फ्लावर्स इन ग्रोइंग लीव्स एंड ब्रांच लीव्स जो प्लांट की होती हैं वो इसी की वजह से ग्रो कर पाती हैं और नेक्स्ट पॉइंट सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैव थिन सेलोसिक वॉल सेल्स इसकी जो होती हैं बिल्कुल सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर में तो सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलोसिक वॉल और इन सेल्स के बीच में ये दी गई हैं इन सेल्स के बीच में पतली पतली सेलोसिक वॉल प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट में होती है ठीक है इनका शेप कैसा होता है तो इनका शेप जो होता है वो स्फेरिकल भी होता है ओवल भी होता है और पॉलीगोनल भी होता है जो कि हम मैंने इस बताया डायग्राम में कि इसमें इनका शेप जो है वो पॉलीगोनल टाइप है ठीक है और ये इनके अंदर का न्यूक्लियस है और ये इनका साइटोप्लाज्म है ना ऑक्यूरेंस तो मेरिज टिश्यू जो होते हैं वो ग्रोथ टिश्यू होते हैं और ये इनको डिवाइड किया गया है तीन टाइप में इनकी पोजिशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ठीक है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन दे आर ऑफ थ्री टाइप्स विच आर एपिकल मैरिज स्टैम इंटर कैलरी मैरिज एंड लेफल मैरिज अब वॉट इज एपिकल मैरिज एपिकल मैरिज जो होती है वो प्लांट की रूट में और स्टेम में एलोंगेशन लाती है अब एलोंगेशन कहाँ पर आती है तो ये रूट जैसे प्लांट की ये रूट है ठीक है तो प्लांट की रूट की टिप पे यहाँ पे ये लाती है एलोंगेशन और स्टेम की टिप पे आती है एलोंगेशन मतलब प्लांट की ग्रोथ में प्लांट की जो हाइट बढ़ती है वो एपिकल मेरी स्टेम से बढ़ती है तो ये हेल्प करते हैं इन इंक्रीजिंग और इन इंक्रीजिंग लेंथ और हाइट ऑफ प्लांट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम एंड लेटर लेटुर मैरिज स्टैम्प जो होती है वो प्लांट की ये जो होती है ग्रथ इसकी जो ग्रथ है इसको ये बढ़ाती है इससे ग्रथ को बढ़ाती है जैसे अब ये हमारी है लेटरल तो लेटरल मेरिज स्टैम जो होती है वो यहाँ पे साइड्स में यहाँ पे इनकी प्रेजेंट होती है लेटरल ये करती है ये प्लांट्स की ग्रथ को इस तरीके से बढ़ाती है ठीक है तो इसलिए कहा गया है लेटरल मेरिज स्टैम्प इंक्रीज इज द डायमीटर ऑफ दी ग्रिथ नाउ लास्ट मैरिज स्टैम्प विच इज कॉल्ड एंटाकाली मैरिज स्टैम्प इंटर कैली जो होती है वो लीव्स की लेंथ को बढ़ाती है इंक्रीजिज द लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोन ऐसे ये हमारा प्लांट है तो प्लांट के साइड में जो नई नई ब्रांचेस निकलती हैं तो इनकी जो बीच बीच में जो इंटरनोड्स होती हैं इनको बढ़ाने का जो काम होता है वो हमारा इंटर कैली मेरी स्टैम करता है ठीक है तो ये हमारा हो गया एपिकल मैडि स्टैम जो कि प्लांट के रूट के टिप पे और शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है ठीक है फिर दूसरा हमारा होता है स्टेम मेरिजैम लिटिल स्टेम जो होता है प्लांट्स के साइड्स में पेन होता है जो कि प्लांट की ग्रथ को इस तरीके से बढ़ाता है ठीक है फिर लास्ट में आता है इंटरगैलरी इंटरगैलरी जो होता है वो प्लांट्स की ये जो इंटरनोट्स होती हैं उनको इस तरीके से बढ़ाता है अब मैरिज के बाद आता है परमानेंट टिश्यू ठीक है परमानेंट टिश्यू जो होता है वो प्लांट का सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू होता है जो इसका मेन पॉइंट ये होता है कि ये डिवाइडेशन करता है ठीक है इसमें टिश्यूज के जो इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं ये परमानेंट होते हैं इसी इसको नाम दिया गया है परमानेंट टिश्यूज ठीक है पॉइंट्स हैं इसके तो सेल्स इसकी जो होती हैं वो लार्ज होती हैं सेल्स आर लार्ज विद डिफरेंट शेप इसकी सेल्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं ठीक है नौ सेकेंड पॉइंट लार्ज सेंटर्ड वैक्यूल इस प्रेजेंट इसमें लार्ज सेंटर्ड वैक्ल प्रेजेंट होता है जो कि हमने आ, अपने प्रीवियस चैप्टर सेल में भी पढ़ा था जो कि 90 परसेंट ऑफ दी स्पेस ऑफ प्लांट सेल को वो कवर करता है इंटर सेल स्पेस आर प्रेजेंट इनमें इंटर सेल स्पेसिस प्रजेंट होता है ताकि जो कि जो सेल्स के बीच में जो फ्रूट होता है उसका ट्रांसफ़र हो सके आने से तो इसलिए इनमें इंटर सेलर स्पेस होते हैं इट्स अ सेल्स डू नॉट नॉर्मली डिवाइड इनकी सेल्स जो होती हैं नॉर्मली मतलब डिवाइड नहीं करती हैं आपसे कहा था हमने कि इनकी सेल्स जो होती हैं वो डिवाइडेशन नहीं करती है ठीक है ये प्लांट्स में परमानेंटली प्रेजेंट रहती हैं लाइफ टाइम तक और प्लांट्स को हेल्प करती हैं प्लांट्स को ये सपोर्ट देती हैं प्रोटेक्शन देती हैं और ये हेल्प करती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिस में लाइक like फोटोसिंथेसिस में फूड के स्टोरेज में तो ये सब फंक्शन जो होता है वो परमानेंट टिश्यूज में ही चलता है नो नेक्स्ट पॉइंट इट्स अ सेल मे बी लिविंग और डेड इसकी सेल्स जो होती हैं वो लिविंग भी सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं बिकॉज इस टिश्यू के भी तीन टाइप्स हैं जिसमें कुछ सेल्स डेड होती हैं और कुछ सेल्स लिविंग होती हैं नाउ मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स इज लो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनका मेटाबॉलिक रेट लो होता है बिकॉज ये ग्रोथ नहीं करती है ग्रोथ नहीं करती है तो उनमें कुछ खास फंक्शंस भी नहीं चल पाते हैं इसलिए ये इनका लो होता है ठीक है नाउ लास्ट पॉइंट दीज टिश्यूज का डिवाइड ये जो टिशू होते हैं वो डिवाइड नहीं हो पाते मतलब खुद से डिविजन नहीं करते हैं बट वैसे इनमें ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लाइक दे आर थ्री टाइप्स फर्स्ट वन इज़ पैनकैमा सेकेंड वन इज़ कॉलनकैमा एंड लास्ट वन इज स्लिन कैमा सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट द टुडे वीडियो थैंक यू वी मीट ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो